केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। राउ रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, इसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया है। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, कोर्ट से कोई राहत नहीं, केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। हालांकि ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 दिनों की रिमांड खत्म होने पर आज राउ रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद बड़ी खबर इस वक्त की 1 अप्रैल तक के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं, बड़ा झटका आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए सुनवाई के दौरान और जज के सामने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत काम कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, 1 अप्रैल तक के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी गई है। हालांकि ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, ईडी ने दलील पेश करी कि गोवा में जो आरोपी है उनको सामने सामने बिठाकर केजरीवाल के साथ क्रॉस एग्जामिन करना है। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, उसके बाद अब यह फैसला सामने आया है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। राउ रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, उसके बाद 1 अप्रैल तक के लिए केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी गई है। अर्जी उड़ाने की ठानी है, उसका मुखौटा है ईडी। ईडी कैरी करता है जो मोदी जी चाहते हैं, जो भाजपा चाहती है। तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वक्तव्यों से आज धज्जियाँ उड़ाई है ईडी के केस की, ये अपने आप में देखने लायक थी। आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अपने वक्तव्यों के माध्यम से ये बता दिया कि ईडी के पास कोई केस नहीं है, ईडी ने फर्जी केस कर रखा है, मोदी जी और भाजपा का मुखौटा बना हुआ है ईडी, और इस प्रकार से भारत के डेमोक्रेसी को खतरा हो गया है। आज 4 दिन की उनको रिमांड फिर मिली है, 1 तारीख को उनकी पेशी दोबारा होगी, लेकिन सब कुछ सामने आ गया और हिंदुस्तान उबाल में है, हिंदुस्तान गुस्से में है, जनता आक्रोशित है कि जनता का हीरो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पॉलिटिक्स को पहली बार जनता के फायदे के लिए उपयोग में लाए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, आज पूरे देश में, दिल्ली हो, देश हो, हर तरफ एक ही माहौल है। केजरीवाल जी को जिसने अरेस्ट किया है, केजरीवाल जी को जिसने गिरफ्तार किया है, उसको जनता 2024 चुनाव में धरती पर पटकेगी, समझाएगी, बुझाएगी किस प्रकार से तुमने गलती की।